हमने जो विषय प्रवचन के लिए चुना है वो है संसार सुखमय करना ही परमार्थ। यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका कारण यह है कि जीवन की दृष्टि से संसार बहुत महत्वपूर्ण होता है और उसे जब हम सुखमय करते हैं तब जो निर्वाण होता है उसे परमार्थ कहते हैं। गणित की भाषा में कहें तो संसार प्लस सुख इक्वल टू परमार्थ। तो इस प्रकार परमार्थ को यदि हमें साध्य और सिद्ध करना हो तो संसार को सुखमय करना होगा। और इस संसार शब्द का अर्थ मैंने पिछले प्रवचन में बताया था कि संसार याने जीवन जीना, इसे संसार कहते हैं। अब कुछ लोग संसार की अलग अलग व्याख्याएं करते हैं कि सरु सर टू मूव याने संसार, याने जो सरकते 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 आगे बढ़ते हुए चलते रहता है उसे संसार ऐसा कहा गया है। और इसलिए यह जो विश्व है इस विश्व को भी संसार कहा गया है, इस विश्व को भी संसार कहा गया है। उसका कारण क्या है कि यह जो विश्व है वो निरंतर बदलता रहता है, वो निरंतर बदलता रहता है, वो नित्य परिवर्तित होता है, इसलिए उसे संसार कहा गया है। हमारे शरीर को भी संसार कहते हैं क्योंकि शरीर भी निरंतर बदलता रहता है। एक एक सेकंड में, एक एक मिनट में हमारा जो शरीर है वो शरीर बदलता रहता है, ऐसा विज्ञान कहता है, और इसलिए शरीर को भी संसार कहा गया है। हमारे ये जो मन है वो मन भी नित्य बदलते रहता है विचारों के रूप में, मन भी हमेशा बदलते रहता है, इसलिए उसे यानी मन को संसार कहा गया है। संक्षेप में ये जो संसार, ये जो शब्द है उसका उपयोग अनेक अर्थों में किया गया है, परंतु उसका जो उचित अर्थ है वो है जीवन जीना यानी संसार, लिविंग लाइफ यानी संसार। और इसलिए जिस समय हम जीवन जीते हैं उस समय जीवन जीते हुए हम कुछ कर रहे होते हैं। ध्यान में लीजिए, हम जीवन जीते यानी क्या करते हैं, हम जीवन जीते हैं उसका यह अर्थ है कि जीवन भर हम कुछ न कुछ करते रहते हैं। यानी जैसे हम जागृति में करते ही रहते हैं, सोते हुए भी हम करते ही रहते हैं और सोने के बाद भी हम करते ही हैं, और इसलिए जीवन भर हम निरंतर करते ही रहते हैं। अब सूर्य को देखिए, आकाश में जो सूर्य है वो सूर्य निरंतर प्रकाश देता है, वो निरंतर प्रकाश देता है, और यदि आप सूर्य की ओर देखें तो वो 24 घंटे प्रकाश देता है। वैसे ही हमारा जो जीवन है उस जीवन में हम जीवन में 24 घंटे 365 दिन निरंतर कुछ न कुछ करते रहते हैं, और इसलिए जीवन जीना यानी जीवन में हमें कुछ तो करते रहना यानी संसार। अब मजे की बात यह है कि हम नींद में जागृति में करते हैं उसकी भी हम सभी को जानकारी है, उसके बारे में कुछ विशेष बातें बताने की जरूरत नहीं, परंतु सोते समय भी हम कर ही रहे होते हैं, हम सपने देखते हैं, हमारी सपने में हमारी बहुत सी हलचल होती है, वो सब हम कर ही रहे होते हैं। सपने में हम देखते हैं, सपने में हम सुनते हैं, सपने में हम बोलते हैं, सपने में हम हजारों बातें करते हैं। उसी प्रकार जब हम गहरी नींद में होते हैं उस समय गहरी नींद में भी हमारा जो अंतर्मन है वो अंतर्मन कुछ न कुछ कर रहा होता है, यानी मन का एक हिस्सा यानी बहिर्मन और मन का दूसरा हिस्सा यानी अंतर्मन। ये अंतर्मन हमारे भीतर हम गहरी नींद में जाने के बाद भी कुछ न कुछ कर रहा होता है, और इसलिए हमारे शरीर में सांसें चलती रहती है गहरी नींद में भी। गहरी नींद में भी हम कुछ नहीं करते, परंतु गहरी नींद में भी हमारी सांसें चलती रहती है, गहरी नींद में भी हमारा रक्त संचार चल रहा होता है, गहरी नींद में भी हमारी नाड़ी चल रही होती है, गहरी नींद में भी हम बहुत कुछ कर रहे होते हैं, पेट में गए हुए अन्न की गहरी नींद में पाचन क्रिया चल रही होती है। यानी जब हम गहरी नींद में भी होते हैं तब भी हम उस समय कुछ कर रहे होते हैं अंतर्मन द्वारा, और इसलिए डॉक्टर मर्फी ऐसा कहते हैं, योर सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल्स ऑल द वाइटल प्रोसेसेस एंड फंक्शंस ऑफ योर बॉडी एंड नोज द आंसर टू ऑल योर प्रॉब्लम्स। यानी
आपके भीतर के वाइटल प्रोसेसेस और फंक्शंस यानी लीवर, पैनक्रियास वगैरह वगैरह, हृदय, पेट, पीठ, कमर, विभिन्न प्रकार के जो अंग हमारे शरीर में हैं अंदर और बाहर, उन सभी का फंक्शनिंग अंतर्मन द्वारा गहरी नींद में भी चल रहा होता है और गहरी नींद में भी हम ही इसे कर रहे होते हैं, परंतु हम जो करते हैं वो हम अनजाने में करते हैं। इसलिए अंतर्मन सब कुछ करता है, बहिर्मन से हम जो करते हैं वो हमें समझ में आता है, परंतु अंतर्मन द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उन्हें हम ही करते हैं परंतु ये हमें पता नहीं होता। और इसलिए ये जो अंतर्मन है, ये अंतर्मन गहरी नींद में भी सब कुछ करता रहता है। यदि छोटा बच्चा है तो वो छोटा बच्चा जब सोता है तब गहरी नींद सोता है और अचानक माँ को याद आता है कि वो अपने बच्चे को दूध पिलाना भूल गई है, तो अब क्या उसे दूध पिलाना चाहिए। इसलिए वो उसे थोड़ा सा हिलाती है और फिर उसे दूध पिलाती है। अब उसे दूध पिलाने पर वो दूध पीता है, दूध पीने की क्रिया वही करता है, वो माँ नहीं करती, माँ केवल दूध पिलाती है, परंतु उसे पीने की क्रिया उस बच्चे द्वारा ही होती है, परंतु वो सबकॉन्शियसली होती है यानी अंतर्मन से होती है। इसलिए वो दूध पीता है नींद में भी। कहने का तात्पर्य यह है कि गहरी नींद में भी हम क्रिया कर रहे होते हैं, मुझे यह बताना है, यानी जागृति में, सपने में और सुषुप्ति में हम क्रिया करते रहते हैं, कुछ न कुछ करते रहते हैं। इसलिए सूर्य जैसे निरंतर प्रकाशित होता है, उसी प्रकार हमारा जीवन रूपी सूर्य जो है वो कर्म के द्वारा निरंतर प्रकाशित होता है। ये एक बार हमारे ध्यान में आ जाए तो जीवन जीना यानी संसार, ये आप समझ जाएंगे। तो जिसे हम संसार कहते हैं यानी जीवन जीना, ये हर किसी के लिए अनिवार्य है। जरी झाला सन्यासी तरी बारह वस्ता तोंडवासी, ऐसा कहा गया है। यदि संन्यास भी ले लिया तब भी उसे संसार से मुक्ति नहीं और संसार छूटता नहीं, क्योंकि यदि उसने घर भी छोड़ दिया तो उसे आश्रम बांधना पड़ता है, उसे झोपड़ी बांधनी पड़ती है, उसे गुफा में आसरा लेना पड़ता है, उसे जंगल में आसरा लेना पड़ता है, यानी वो घर छोड़ देगा परंतु कहीं और आसरा लेगा। अब घर की चार दीवारों में रहे या गुफा में रहे, अर्थ एक ही है, आसरा लिया, और इसलिए घर छोड़ भी दिया तो वो छूटता नहीं। घर यदि छोड़ भी दिया तो भी पेट छूटता नहीं, और इसलिए वो कहीं भी जाए, संन्यास लिया, बैरागी हो गया, साधु हो गया, तब भी पेट नहीं छूटता, और पेट के लिए कहीं भी जाकर भिक्षा मांगनी पड़ती है या फिर कोई भिक्षा ला कर देगा उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप किसी भी अवस्था में संसार छोड़ नहीं सकते। तो संन्यास लेकर आपने क्या पाया? संन्यास लेकर आपने क्या पाया? साधु होकर आपने क्या पाया? बैरागी होकर आपने क्या पाया? और इसलिए जीवन विद्या ऐसा कहती है कि ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि असोनी संसारी जिह्वे वेग करी। यह 100% सच है, और इसलिए संसार में रहकर तुम परमार्थ करो, संसार में रहकर तुम ईश्वर की प्राप्ति करो, संसार में रहकर तुम सुखी हो जाओ, संसार में रहकर सब कुछ करो। संसार यदि छोड़ दिया तो जीवन का मतलब ही क्या है? जरा बारीकी से सोचिए, हम जिसे संसार संसार कहते हैं, इस संसार को यदि छोड़ दिया तो जीवन का मतलब ही क्या है? कोई मतलब नहीं। इसलिए संसार की एक और व्याख्या हम कर सकते हैं कि जीवन का जो सार है वो है संसार। जीवन का सार यानी संसार, और इसलिए संसार जीवन का सार है। और यदि यह हमारी एक बार समझ में आ जाएगा, कर्म हमारे जीवन का सार है, कर्म तय करते हैं कि तुम ईश्वर बनोगे या दैत्य बनोगे, कर्म तय करते हैं, तुम अच्छे बनोगे या बुरे बनोगे, ये कर्म तय करते हैं, तुम साधु बनोगे या भोंदू बाबा बनोगे, ये तुम्हारे कर्म तय करते हैं, इष्ट करना है या अनिष्ट, ये तुम्हारे कर्म तय करते हैं। और इसलिए तुम्हारे द्वारा जो निरंतर कर्म होते रहते हैं, कर्म प्रकाशित होते रहते हैं, सूर्य जैसे निरंतर प्रकाशित होता रहता है, वैसे ही कर्म रूपी प्रकाश इस जीवन रूपी सूर्य से
निरंतर प्रकाशित होता है और इसलिए जीवन जीना याने संसार, जीवन जीना याने जीवन में कुछ न कुछ करते रहना याने संसार। और इसलिए देखिए कि मनुष्य का जन्म, बच्चे का जन्म होते ही उसकी सांसें शुरू हो जाती है, बालक का जन्म होते ही उसकी सांसें शुरू हो जाती हैं, कर्म की शुरुआत हो गई। वो हाथ पांव हिलाता है, वो हाथ पांव हिलाने लगता है, रोता है, उसके फेफड़े काम करने लगते हैं, सब कुछ उसका शरीर उसके जन्म के बाद काम करना शुरू कर देता है, कर्म करना शुरू कर देता है, जीवन जीना शुरू कर देता है। और इसलिए जीवन विद्या ऐसा कहती है कि जीवन जीना यानी संसार, इस संसार को सुखमय करना है या दुखमय, यह तुम्हारे हाथ में है, इसलिए तुम ही हो अपने जीवन के शिल्पकार। अब मजे की बात यह है कि संसार को सुखमय करना हमारा दायित्व है क्या? ऐसा प्रश्न जब निर्माण होता है तब वो अन्य किसका दायित्व हो सकता है? यह हमारा ही दायित्व है। मजे की बात यह है कि सब कुछ हमारे ही पास है। हम कहते हैं ऊपर वाला, वो ऊपर वाला, ऐसा हम कहते हैं। सब कुछ कौन करता है? ऊपर वाला। सब कुछ करने वाला कौन है? ऊपर वाला। ये जो हम कहते हैं कि कर्ता और करने वाला, ये ऊपर वाला है। ये जो हम कहते हैं ना, ये मूलतः गलत है। कर्ता भी तुम और करवाने वाले भी तुम, ये तुम्हें प्रथम ध्यान में रखना है। आप कहेंगे ऐसा क्यों कह रहे हो वामन राव? मैं बताता हूं आपको, वो जो है और तुम जो हो, ये दो नहीं, ये पहले ध्यान में रखना है। हम क्या करते हैं वो कहते हैं और स्वयं मुक्त हो जाते हैं, समझे? वही सब करता है, करवाने वाला वो है, तो ये जो चाहे वो करके फिर मुक्त हो जाता है। यानी करना सब है और फिर मुक्त हो जाना है, कर्तव्य से पल्ला झाड़ लेना, हम करते हैं ना कर्तव्य से पल्ला झाड़ना, वैसे ही उस पर जब आप सब थोप देते हो, वो करता और वो करवाता है, ऐसा जिस समय आप कहते हो उस समय करते तुम ही हो, सब कुछ तुम ही करते हो, परंतु वो करता है ऐसा कहकर तुम पल्ला झाड़ लेते हो और मुक्त होने का प्रयत्न करते हो। संक्षिप्त में, आप अपने आप को धोखा देते हो, आप अपने आप को धोखा देते हो। मजे की बात यह है कि वो और तुम एक ही हो, यह हमारे शास्त्र ही कहते हैं, तत्वमसि हमारे शास्त्र ही कहते हैं। वो तत्व जो है ना, वो तुम हो, यह हमारा शास्त्र ही कहता है। अहम ब्रह्मास्मि, यह हमारा शास्त्र ही कहता है, मैं ब्रह्म हूं। शिवो हम, शिव शिव कहते हैं, वो मैं ही हूं, शास्त्र ही कहते हैं। सो हम, ये शास्त्र ही कहते हैं। अब मुझे बताइए, वो और तुम एक ही हो, ये यदि तुम्हें समझ में आ गया तो तुम जान पाओगे कि वो करता है कहकर पल्ला मत झाड़ना, जो करता है वो तुम हो, करवाने वाले तुम हो, और जो करोगे वो भुगतने वाले भी तुम हो, ये ध्यान में रखना। ज्ञानेश्वर महाराज ने एक बात बहुत सुंदर कही है कि शरणागति किसे कहते हैं, उसका अर्थ अनन्याश्चिंतयन्तो माम वैसा नहीं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामैकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, ऐसा भगवद गीता में एक स्थान पर श्री कृष्ण कहते हैं। अब उस जगह सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज ऐसा कहा गया है। ऐसा सर्वधर्म जो कहा गया है, वे सभी धर्म याने हम क्या उस समय धर्म थे ही कहां? सर्वधर्म कहें तो उस समय धर्म थे ही कहां? उस समय इस्लाम नहीं था, ख्रिस्ती धर्म नहीं था, उस समय अन्य कोई भी धर्म नहीं थे, था तो केवल वैदिक धर्म। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान कहते हैं कि सभी धर्मों का त्याग करो और मेरी शरण में आओ। ऐसा जिस समय भगवान कहते हैं उस समय शरण में आओ यानी क्या? इसका अर्थ श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने बहुत सुंदर बताया है ज्ञानेश्वरी में। वह ऐसा कहते हैं, पई आपुले नि भेदे विण, जाणिजे जे माझे एकपण, तयाचे नाव शरण मज येणे गा। कितनी सुंदर बात कही है कि पई आपुले नि भेदे विण, जाणिजे जे माझे एकपण, अर्थात तुम और मैं एक ही हूं, यह जान लेना, इसे शरणागति कहते हैं।
इसे भक्ति कहते हैं, इसे उपासना कहते हैं, इसे योग कहते हैं, इसे सब कुछ कहते हैं। और इसलिए ये जो कहा गया है कि वो और तुम एक ही हो, और इसलिए ऊपर वाला वो है ऐसा कहकर पल्ला मत झाड़ना। सब कुछ करने वाले तुम हो और करवाने वाले भी तुम ही हो, और जो कुछ भुगतना है अच्छा या बुरा वो भी तुम्हें ही। ये एक बार समझ लिया तो जीवन विद्या कहती है वो तुम्हारी समझ में आएगा। तुम ही हो अपने जीवन के शिल्पकार। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि लोगों में जो संभ्रम हो गया है, लोगों में जो गलत फहमियां हुई है संसार के बारे में, परमार्थ के बारे में, साधु बनना, बैरागी बनना, संन्यास लेना, इन सभी बातों के विषय में आज हमारे मन में बहुत ज्यादा गलत फहमियां निर्माण हुई है कि साधु बनना, बैरागी बनना, स्वामी बनना, सन्यासी बनना बहुत महान कार्य है। घर बार का त्याग करके यदि एक कोई मनुष्य कहीं चला गया तो उसे हम बहुत महान कहते हैं। वास्तव में हम उसे बिल्कुल महान नहीं समझते। हम कहते हैं वो घर से पलायन कर गया, अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ दिया, घर बार छोड़ दिया, काम धंधा छोड़ दिया और घर से वो पलायन कर गया और साधु बन गया, पलायन कर गया और सन्यासी बन गया। और इसलिए जीवन विद्या को ये अमान्य है पलायनवाद। किसी प्रकार के पलायनवाद को जीवन विद्या मान्य नहीं करती। जन्म मृत्यु से मुक्ति यानी मोक्ष पलायनवाद है। जन्म मृत्यु से मुक्ति यानी मोक्ष, ये जो कल्पना हमारे यहां बताई गई है ये अत्यंत गलत कल्पना है। केवल गलत ही नहीं बल्कि ये बहुत घातक और जीवन के लिए बाधक ऐसी कल्पना है। और इसलिए आज लोग जन्म मृत्यु से मुक्ति पाने की प्रतीक्षा करते हैं। अजी जन्म तुम्हें मिला है, मृत्यु तक तुम्हें जीना है, जीवन जीना है तुम्हें, संसार में जीना है, तो उसे सही ढंग से जियो ना, उसे सफल बनाओ ना, उसे समृद्ध बनाओ ना, उसे सुखमय बनाओ ना, उसे आनंदित बनाओ ना। और ये सब तुम कर सकते हो क्योंकि तुम्हें सब कुछ दिया गया है। कर्मेंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय है, आंतरेंद्रिय है, कल्पना शक्ति है, भावना शक्ति है, धारणा शक्ति है, वासना शक्ति है, इच्छा शक्ति है, संकल्प शक्ति है, कितने सारे उपहार तुम्हारे पास हैं। तुम्हारे पास इतना है, तुम्हारे पास इतना कुछ है कि तुम्हें देने के लिए और कुछ भी ईश्वर के पास नहीं है। ईश्वर ने तुम्हें सब कुछ दे दिया है, तुम उसका उपयोग करो। तुम यदि उसका उपयोग नहीं करोगे तो वह सब तुम्हें देने का कोई मतलब नहीं। या ये कहो कि तुम्हारे पास सब होकर भी तुम भिखारी हो। मजे की बात यह है कि ईश्वर ने क्या कम दिया है, तुम्हें दिया हुआ हर एक अंग इतना मूल्यवान है कि यदि तुमने करोड़ों रुपए खर्च किए तब भी तुम्हें ये आंख जैसी मिली है वैसी नहीं मिल पाएगी। लाखों रुपए खर्च करके भी ये जो कान जैसा है वैसा तुम्हें नहीं मिल सकता। करोड़ों रुपए खर्च करने पर भी ऐसी जीभ तुम्हें नहीं मिल सकती। तुमने यदि हजारों रुपए भी खर्च किए तब भी तुम्हें इस शरीर का जो एक एक अंग है वो नहीं मिल सकता। इतना मूल्यवान है यह शरीर, तुम्हें परमेश्वर ने दिया। और उस शरीर के जन्म के बाद यदि तुम कहने लगे कि जन्म दुखम, जरा दुखम, नित्यम दुखम, पुनः पुनः ऐसे तुम रोते रहे तो रोते ही रह जाओगे और तुम्हें कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होगी। तुम्हारे जीवन में कभी भी समृद्धि नहीं आएगी, जीवन में कभी भी तुम सुखी नहीं हो पाओगे। और इसलिए जीवन विद्या ऐसा कहती है कि संसार बुरा नहीं है। आप चाहे किसी भी दृष्टि से यदि देखो संसार बुरा नहीं है। आप किसी भी दृष्टि से देखो, विश्व रूप में देखो संसार, वो भी बुरा नहीं है। विश्व क्या बुरा है? शरीर संसार बुरा है, मन संसार बुरा है, संकल्प संसार बुरा है, विचार निरंतर बदलते रहते हैं इसलिए संसार बुरा है। बुरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ अच्छा है। बुरा यदि कुछ है, बुराई जो है वो तुम्हारे भीतर है, उसे तुम दूर करो और उसके स्थान पर अच्छाई की प्रस्थापना करो तो सब कुछ अच्छा होगा। मजे की बात यह है कि हमें यह समझ में नहीं आता और हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ जो है वो सब दुखमय है। संसार दुखमूल, सोही कड़े इंगल, विश्रांति नाही कोठे, रात्रन दिवस तड़मल, ऐसा जो हम कहते हैं वो संसार दुख की जड़ नहीं। संसार दुख की जड़ नहीं है तो संसार, इसे सुखमय करना या दुखमय करना केवल तुम्हारे हाथों में है, ये ध्यान में रखना। और इसलिए
संसार को दोष देते रहना यानी सांप सांप कहकर जमीन पीटने जैसा है। सांप सांप कहकर जमीन पीटने जैसा है। संसार को तुम क्यों फटकारते हो? संसार ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा है? और इसलिए जिसे पीटना चाहिए उसे तुम थपथपाते रहते हो। जिसे पीटना चाहिए उसे तुम थपथपाते रहते हो और जिसे थपथपाना चाहिए उसे तुम पीटते रहते हो। तुम सोचोगे मैं क्या कह रहा हूं, बताता हूं आपको। हमारे भीतर जो अहंकार है ना, उस अहंकार को हम थपथपाते हैं, दुलारते हैं, उस अहंकार को दुलारते हैं। और ये जो शरीर, ये जो संसार, ये जो जीवन है, उसे बुरा मानकर हम फटकारते हैं। बुरा क्या है? बुरा संसार नहीं है, बुरा है अहंकार। ध्यान में लीजिए, बुराई में किसमें है ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। ये जो हमारे भीतर का अहंकार है, वो अहंकार आज देखिए संसार में अहंकार बाधा डालता है। आप ऑफिस में जाओ, वहां अहंकार बाधा डालता है। तुम किसी भी संस्था में जाओ, वहां अहंकार बाधा डालता है। तुम किसी भी पक्ष में जाओ, वहां अहंकार बाधा डालता है। तुम किसी भी मंत्रिमंडल में जाओ, वहां अहंकार बाधा डालता है। आप कहीं भी जाओ, आपकी समझ में आएगा कि सारे सारे दुखों की जो जड़ है वो अहंकार है। अहंकार सभी दुखों की जड़ है, संसार दुख की जड़ नहीं है। यह हमें समझ में आना चाहिए। यह हमें ध्यान में ही नहीं आता और हम सांप सांप कहकर जमीन पीटते रहते हैं। वैसे ही बुरा बुरा कहकर हम संसार को फटकारते हैं। वास्तव में फटकारना चाहिए अहंकार को। अब अहंकार यानी क्या, अहंकार का रूप क्या है, अहंकार का स्वरूप क्या है, अहंकार क्यों निर्माण होता है, अहंकार निर्माण किस प्रकार से होता है, अहंकार निर्माण कहां से होता है, ये सारा विषय कितना महत्वपूर्ण है। और यदि हमें इस विषय में कुछ जानना हो तो कितने ही प्रवचन करने होंगे। और इसलिए मैं आपसे मिलूंगा। संसार को सुखमय कैसे करना है ये सिखाने के लिए।